सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक लैब में। आज जो मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक हाथ बना हुआ है बृहस्पति पर्वत में बनने वाला बृहस्पति वलय के ऊपर, इस तरह का अगर शेप बनता हो। कल जो मैंने आपको दिखाया था वो कुछ स्क्वायर टाइप में बनने वाला था, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो राउंड शेप, इस तरह से राउंड शेप का बनता हुआ। अगर बृहस्पति पर्वत में वलय बन जाए तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो है बृहस्पति के गुणों से भर जाता है और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति महाज्ञानी बनता है, महाज्ञानी MG, महागुरु या ज्ञानी। ऐसे लोग उच्च पदस्थ होते हैं, एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई के मामले में भी पंडित होते हैं, जिसको आज के डेट में मास्टर्स कहते हैं या डॉक्टरेट डिग्री लेना कहते हैं, जो अंग्रेज हमें बना के गए हैं, अंग्रेजों ने हमें दिया ये डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री। उसके पहले नॉर्मली होता था कि ग्रेजुएशन की डिग्री को कहा जाता शास्त्री, शास्त्र को जानने वाला, और मास्टर डिग्री को कहा जाता था आचार्य, जो मास्टर्स होने के बाद दूसरों को सिखा सके, और उसके ऊपर जो डॉक्टरेट डिग्री कही जाती है उसको कहा जाता था मुनि, और जो डॉक्टरों के भी परे हो जाते हैं उन्हें कहा जाता था ऋषि। तो हमारे कल्चर में शास्त्री, आचार्य, मुनि और ऋषि, ये ओहदे के बराबर, मतलब इस तरह से ओहदे बताए जाते थे। तो जिनके हाथ में बृहस्पति का वलय इस प्रकार बहुत स्ट्रांग बनता हो, बड़ा सा एरिया लिए हुए हो, और बृहस्पति का जो पर्वत है वो भी बहुत उन्नत हो, उठा हुआ फुला हुआ सा, तो ऐसे व्यक्ति जो है महाज्ञानी होते हैं, या आचार्य बनने के बाद मुनि बनते हैं और मुनि बनने के बाद ऋषि बन जाते हैं, मतलब इतनी क्वालिटी इनके अंदर होती है। ऐसे लोगों को आत्मज्ञान जल्दी मिल जाता है, ऐसे लोग शिक्षा के मामले में उच्च होते हैं, बहुत बहुत, मतलब इनकी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने आप को पढ़ने में, लिखने में और अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाती है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी में भी उच्च पदस्थ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पे जो है नौकरी करते हैं। उच्च का बृहस्पति व्यक्ति को थोड़ा सा मोटा बनाता है, फैटी, यू नो फैट, बॉडी में वेट गेन बहुत ज्यादा होता है। ये लोग थोड़े से ज्यादा ही पढ़ाई लिखाई और इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और खाने पीने के मामले में कुछ ज्यादा ही तली हुई चीजें खाना पसंद करते हैं, जिस वजह से इनका बॉडी वेट यानी फैट, बॉडी का फैट बढ़ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। हालांकि बृहस्पति समृद्धि भी देते हैं, कहते नहीं है, मैं हमेशा, मतलब दूसरे वीडियोस में भी ये बात कह चुका हूं कि जब सरस्वती आपके पास हो तो लक्ष्मी अपने आप चल के आती है, लेकिन कभी लक्ष्मी जो है वो सरस्वती को नहीं ला सकते। इसलिए आपके पास यानी बृहस्पति अगर उच्च का है और बृहस्पति में वलय बन रहा हो तो समझ लीजिए सरस्वती आपके पास है, आप जब चाहे तब लक्ष्मी को बुला सकते हैं। ऐसे लोग बहुत जबरदस्त टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्ञानी होने के साथ साथ टैलेंट भी कुट-कुट के भरा होता है। ऐसे लोगों का मन जो है ना काफी उदार होता है। इन लोगों की हालत ऐसी होती है ना कि इनके लिए जो सबसे अमूल्य धन है वो है ज्ञान। ज्ञान के भूखे पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन पैसे के पीछे इनका मोह नहीं होता, कभी बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करते कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूं, नहीं, वो सादा जीवन व्यतीत करते हैं। पैसा आता है इनके पास लेकिन वो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, साधारण रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा ताम झाम परफ्यूम लगा के झिक झाक एकदम ड्रेस पहन के, वो उनका नेचर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नेचर वाइज बहुत सिंपल रहना पड़ते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार, लेकिन इनके अंदर एक ही टेंडेंसी होती है जो इनके मृत्यु का कारक भी बनती है बाद में जाकर, वो है फैटी फूड, तला हुआ या जरूरत से ज्यादा मीठा खा लेना, तला हुआ भोजन कर लेना, इन सब चीजों से उनके बॉडी के अंदर फैट की टेंडेंसी बढ़ने की वजह से ओबेसिटी होता है यानी मोटापा होता है, और मोटापे की वजह से दूसरी दूसरी बीमारियां भी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे लोग हमेशा अगर अपने आहार पे ध्यान देते हैं तो इनकी स्थिति अच्छी रहती है, मजबूत रहती है, और ये जीवन में बहुत अच्छा तरक्की भी करते हैं, साथ ही साथ फिट भी रहते हैं, अपने आप को हमेशा फिट बनाए रखते हैं। और एक चीज अच्छी बात होती है, बृहस्पति का पर्वत अगर उन्नत हो तो व्यक्ति की हाइट जो है ना, लंबाई वो अच्छी होती है, लंबाई बढ़ती है काफी, जिसको कहते हैं ना 6 फुट के आसपास की लंबाई होती है उस इंसान। तो बृहस्पति का पर्वत व्यक्ति के जीवन में अमोघ परिवर्तन तो करता है,
साथ ही साथ उसको महाज्ञानी भी बनाता है। तो उच्च का बृहस्पति अगर कुंडली में हो और साथ में वलय भी बनता हो और पर्वत भी उठा हुआ हो, थोड़ा सा मानसल एरिया लिए हुए हो या थोड़ा सा उभार ज्यादा लिए हुए हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति समृद्ध बनता है, उच्च पदस्थ बनता है। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, किसी भी सरकारी पद पे पदस्थ अधिकारी हो गए, ठीक है, इस तरह की चीजें इनके भविष्य में, मतलब इनका जो भविष्य है इन सब चीजों के पीछे बनता है। ये लोग इन सब चीजों पे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में बृहस्पति का पर्वत कैसी स्थिति में है। अगर अच्छी स्थिति में है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में भी ऐसी चीजें होने वाली है। हालांकि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके लिए बहुत ज्यादा मोह माया वाली बात नहीं रहेगी, आप हमेशा निवृत्त रहना पसंद करेंगे और रहेंगे भी। सारी चीजों से, मतलब सारी चीजों को उपयोग करते हुए भी आप निवृत्त होंगे, कभी भी उसके ऊपर प्रति आपकी माया नहीं होगी या उसके प्रति लगाव या आकांक्षा नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।